हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस पॉइंट। और इस वीडियो में आप सीखोगे सी एस एस टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में। तो मैंने एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बना करके रखा हुआ जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे दो पैराग्राफ लिए हुए हैं, पहला और यहाँ पे दूसरा। क्लास मैंने टेस्ट वन एंड टेस्ट टू की हुई है। तो मैं पहली प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है ब्राउज़र को बताने के लिए कि जो भी टेक्स्ट है वो उसका जो ओवरफ्लो होगा किस तरीके का होगा, क्लिप होगा या फिर एलिप्सिस होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो टेस्ट वन और टेस्ट टू, मतलब ये और ये, इसकी स्टाइलिंग में क्या किया हुआ है मैंने कि सबसे पहले इसकी विड्थ सेट की हुई है, बॉर्डर सेट किया हुआ है, ओवरफ्लो हिडन कर दिया है। ओवरफ्लो हिडन इस वजह से किया है ताकि ये जो हमारा एडिशनल टेक्स्ट है ये हिडन हो जाए, बाहर ना जाए, वरना डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो उसकी होती है वो विजिबल रहती है, हमारा पूरा टेक्स्ट आता रहता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे नो रैप लिया हुआ है। नो रैप इसलिए लिया हुआ है कि ताकि मेरा सिंगल लाइन में आ जाए, अदरवाइज ये क्या होगा हमारा नेक्स्ट लाइन में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो रैप किया, ओवरफ्लो कर दिया मैंने हिडन। अब क्या होगा, जो मेरा पहला वाला पैराग्राफ, मतलब ये वाला पैराग्राफ होगा, इसकी वैल्यू मैंने की हुई है क्लिप। किस तरीके से, ये देखिए, मैंने यहाँ पे टेस्ट वन जो पैराग्राफ था क्लास की, वो टेक्स्ट ओवरफ्लो की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है क्लिप। क्लिप करने से क्या होता है, जो हमारा टेस्ट जो टेक्स्ट है वो हिडन रहता है और जो भी एडिशनल टेक्स्ट था सिंपली हिडन हो जाता है। बट अगर आप उसकी वैल्यू एलिप्सिस कर देते हो तो यहाँ पे लास्ट में कुछ डॉट्स आ जाते हैं, तीन डॉट जैसे इसमें दिख रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि यूज़र समझ जाता है कि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट और भी है, ठीक है। इसके ऊपर आप होवर इफेक्ट दे सकते हो। होवर इफेक्ट देने से क्या होगा कि जैसे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये वाला है सेकेंड पैराग्राफ, इसको मैं होवर इफेक्ट दे देता हूँ और इसकी जो ओवरफ्लो है वो मैं कर देता हूँ विजिबल। तो जैसे ही इसके ऊपर यूज़र कर्सर ले जाता है तो टेक्स्ट जो था वो विजिबल हो जाएगा। ये हो गई हमारी पहली टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी होती है सीएसएस वर्ड रैपिंग। तो इसके लिए मैं तीसरा पैराग्राफ यूज़ करूँगा जिसको मैंने क्लास दिया हुआ है टेस्ट थ्री। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा अगर कोई एक ऐसा वर्ड है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड ये वाला आ रहा है, इसके अंदर कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वर्ड रैप की वैल्यू अगर आपने सेट करके रखी हुई है ब्रेक वर्ड, अगर आप ब्रेक वर्ड नहीं सेट करते हो तो देखिए क्या होगा, ये हमारा जो भी कैरेक्टर्स, जैसे इसकी मैंने विड्थ 140px इस पी की सेट की हुई है, तो जो एडिशनल कैरेक्टर्स होंगे ये ओवरफ्लो कर जाएंगे, मतलब बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हिडन कर दोगे ओवरफ्लो की वैल्यू तो ये कैरेक्टर्स दिखेंगे ही नहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आप इसको क्या करो, ओवरफ्लो हिडन कर दो, तो देखिए हमारा जो एडिशनल कैरेक्टर्स थे इस वर्ड के वो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिफॉल्ट में ही रख देता हूँ जो कि विजिबल होती है। तो ये हमारा, तो इसके लिए क्या होता है, अगर आप यहाँ पे वर्ड रैप की जो वैल्यू है उसको ब्रेक वर्ड कर देते हो, तो ब्रेक वर्ड करने से क्या होता है, हमारा वर्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, जो एडिशनल कैरेक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज़ आ जाती है सीएसएस वर्ड ब्रेकिंग। वर्ड ब्रेकिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वर्ड ब्रेकिंग मैं यूज़ करूँगा टेस्ट फोर एंड टेस्ट फाइव पैराग्राफ के लिए। तो यहाँ पे देखो, जो पहला वाला है और जो दूसरा वाला है, मैंने कंटेंट लगभग दोनों का सेम लिया हुआ है, बट इसमें क्या है, मैंने इसका पहले तो आप व्यू देख लो, इसका जिस तरीके से नहीं टेक्स्ट लाइन आप जस्टिफाई करते हो उस तरीके से आ रहा है और इसका नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। इसका मैंने जो वैल्यू है वो सेट करके रखी हुई है, सेकेंड टेस्ट फाइव की वैल्यू मैंने सेट करके रखी हुई है यहाँ पे ब्रेक ऑल, और जो टेस्ट फोर है उसकी कीप ऑल, मतलब ये कीप ऑल है और ये ब्रेक ऑल है। देखो कीप ऑल में क्या होता है कि वो हमारा वर्ड सेम रखता है, मतलब उसके आगे का वर्ड कोई भी एडिशनल आ रहा है, जैसे यहाँ पे लर्न के बाद में वेबसाइट है,
तो वेबसाइट यहाँ पे अगर आता तो पूरा वर्ड ना आ पाता, इसलिए इसने इसको सेकेंड लाइन में नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। बट यहाँ पे जो मेरी सेकेंड वैल्यू है ब्रेक ऑल, ब्रेक ऑल में ऐसा नहीं होता है। ब्रेक ऑल में क्या होता है, वो लास्ट तक जाएगा, उसके बाद जो एडिशनल कैरेक्टर होगा उसको नेक्स्ट लाइन में भेजेगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जो जैसे जो पहली प्रॉपर्टी है कीप ऑल, कीप ऑल में क्या होता है कि अगर कोई बड़ा वर्ड है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कीप ऑल मैं यूज़ कर रहा हूँ फोर्थ के लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये मेरा एक बड़ा सा वर्ड आ जा रहा है, ये वाला फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो ब्रेक ऑल में क्या होता है कि ये अगर कैरेक्टर ज़्यादा हैं, अगर कैरेक्टर ज़्यादा हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजेगा, बट उसके पहले अगर किसी कैरेक्टर में हाइफन दिया हुआ है तो हाइफन से वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये देखिए हाइफन से उसने ब्रेक कर दिया, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, ब्रेक ऑल एंड कीप ऑल में। उसके बाद में जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है राइटिंग मोड। राइटिंग मोड में क्या होता है, बेसिकली राइटिंग मोड में दो वैल्यूज होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल टीबी एंड एक वर्टिकल आरएल। हॉरिजॉन्टल टीबी जो होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर आप जैसे अभी मैं दिखाता हूं, ये जो हमारा आ रहा है ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे सीधा सिंपली से सिंपल से ही डिस्प्ले हो जा रहा है। बट अगर आप इसकी वैल्यू वर्टिकल आरएल कर देते हो तो ये क्या होता है, जो हमारा ये वर्टिकली डिस्प्ले होता है, ठीक है, वर्टिकली अलाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से जो टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं वो वर्क करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।